तो मध्य प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी लगातार मतदान कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं टीकमगढ़ की है। यहाँ की बीजेपी प्रत्याशी ने वोट डाला, वीरेंद्र खटीक पहुंचे और वोट उन्होंने कास्ट किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दमोह की, जहां पर प्रताप सिंह लोधी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। तीसरी तस्वीर है खजुराहो की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी कविता सिंह पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। चौथी तस्वीर है सतना की, जहां राजाराम त्रिपाठी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी मतदान केंद्र तक पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। पांचवी तस्वीर है रीवा की, जहां से बीजेपी से प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। छठवीं तस्वीर होशंगाबाद की है, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी शैलेन्द्र दीवान पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। सातवीं तस्वीर बैतूल की है, जहां दुर्गादास उइके पहुंचे और मतदान किया। आठवीं तस्वीर है टीकमगढ़ की, जहां से किरण अहिरवार कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट डाला। तो मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीट की 7 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों ने वोट डाला। टीकमगढ़ से किरण अहिरवार, दमोह से प्रताप सिंह लोधी, खजुराहो से कविता सिंह, सतना से राजाराम त्रिपाठी, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी, होशंगाबाद से शैलेन्द्र सिंह दीवान ने वोट डाला। तो वहीं नरसिंहपुर में अपना वोट डालने पहुंचे बैतूल से प्रत्याशी रामू टेकाम।